जिनके पास थोड़ा भी जमीर बचा हुआ है वो तो मंत्री नहीं रहेंगे, न रहना चाहिए। जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्यों रहेगा मंत्री? इतना बड़ा कैंपस लेके हम कोई उठा के थोड़े ले जाएंगे। और हमने सुबह से मुख्य सचिव से लेकर के जो जितने लोग हैं सबको हमने कह दिया ये स्थिति बना के रखे हुए, कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने तय कर लिया कि अब नहीं रहना, इस्तीफा कर देना। इस वक्त की बड़ी खबर जेडीयू के गलियारे से निकलकर सामने आ रही है, जहां नीतीश सरकार में मंत्री समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जी हां, आपने सही सुना, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो नीतीश सरकार में अधिकारी जो हैं वो भ्रष्ट नहीं तानाशाह भी हो चुके हैं, और इसलिए मैं अब मंत्री पद से इस्तीफा देना चाह रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया है, जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के सचिव चंचल कुमार पर आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, और नीतीश कुमार की सरकार जो है सुशासन वाली सरकार कही जाती है, लेकिन अब उनके मंत्री ही नहीं नीतीश कुमार की जो पोल है वो खोल कर रख दी है, और यही कारण है कि अब मदन सहनी जो है मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। हर दिन यह सोच रहे थे कि अब नहीं हमसे चलने वाला है, तो हमने आज तय कर लिया कि आज हम इस्तीफा करेंगे। आप तो पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पहले भी कोई मंत्री रह चुके हैं, सबसे बड़े नेता आप तो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े नेता हम लोग के हैं, और हम लोग उनके कहने पर ही चलते हैं, और उन्होंने पहचान दिया है, पद दिया है, सम्मान दिया है, लेकिन अब यह सम्मान हम लोग से नहीं चाहूंगा। आप तो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, समय भी क्या परेशानी है? समय भी हम 5 साल किसी तरह गुजारे, और उस समय भी जो सचिव थे पंकज कुमार जो एक भ्रष्ट अफसर थे, उन्होंने भी हम लोग का बात नहीं सुना, हम लोग किसी तरह वहाँ भी आहत हम लोग 15 साल से, और उस समय से हम लोग पिछले बार भी मंत्री थे, उस बार भी वैसा ही सचिव हमको मिला जो हम लोगों को कोई बात नहीं सुनता था। इस बार सोचे कोई ढंग का व्यक्ति होगा कि उससे भी ऊपर निकले। 4 साल से हैं आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहा है, इनका चिंता नहीं है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में इनको दिलचस्पी है। जब इन्होंने सूची हमको उपलब्ध करा दिया, हमने मना किया था कि कोरोना है, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, तो इन्होंने कहा करेंगे। 3 साल का सूची उपलब्ध करा दिए, और जब हम सूची भेज दिए तो 3 दिन से दबा के बैठे हुए। तो ऐसी स्थिति में हमने सुबह से सभी लोगों को कह दिया, मुख्य सचिव को, जो अनुपम जी हम लोग के विभाग के मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, देखते हैं उनको, चंचल जी को कई बार फ़ोन किया, मैसेज किया, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, मैसेज भी किए कि नंबर नहीं होगा, तो नाम लिख करके मैसेज किए, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग दीपक कुमार जी को कहें, संजय झा जी को कहें, अशोक चौधरी जी को कहें, आरसीपी सिंह को कहें कि ये स्थिति है, अब हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, हमने तय कर लिया है कि इस्तीफा देंगे। उसके बावजूद भी किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो हमने मन बना लिया इस्तीफा हमारा तैयार है, हम किसी भी टाइम जा करके मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा। तो ये सिर्फ अफसरशाही का मामला है या राजनीतिक तौर पे भी वहां परेशान है? हम सीधा साधा काम करने वाले लोग, हमको जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, और हम घुमा फिरा के कोई काम नहीं करते हैं। हमको अगर पार्टी से नेता से अगर तकलीफ रहता तो हम वही चीज़ आपको बताते हैं, हमको सिर्फ अफसरशाही से तकलीफ है, और यह तकलीफ सबको है, सिर्फ हमी को नहीं, कोई बोलेंगे कोई नहीं बोलेंगे। तो आखिर ये 15 साल का गुबार है जो आज जो है? देखिए, इससे पहले भी कई बार हम बोले, ऐसा नहीं है कि नहीं बोले, लेकिन अब हमको लगता है कि इस पर बोलने कहने सुनने से मतलब होता है ब्लैकमेल करना, कि हम पर दबाव की राजनीति कर रहा है, इसलिए हमने सीधा सोचा कि अब इस्तीफा कर देना है, मंत्री नहीं रहना है, और एमएलए के रूप में फ्री काम करना है। तो आपके अनुसार जो मजबूत लोग हैं वो मंत्री नहीं रह सकते? जो दिल के मजबूत हैं वो तो नहीं रहेंगे, जिनके पास थोड़ा भी जमीर बचा हुआ है वो तो मंत्री नहीं रहेंगे, न रहना चाहिए। जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्यों रहेगा मंत्री? इतना बड़ा कैंपस लेके हम कोई उठा के थोड़े ले जाएंगे। जिस दिन हम एमएलए नहीं रहेंगे हम तो घर ही पर ना रहेंगे, जो हमारा छोटा घर है, हम इस जगह पर थोड़े रहेंगे, तो हम इसका आदत क्यों डाले?
तो आखिर ये आप ही के साथ है, आपके जो दूसरे कलीग हैं, दूसरा आदमी का बात तो दूसरा कोई जाने ना, लेकिन सब लोग आहत नहीं, आप करें जो भी जो सब लोग आहत है, लेकिन कोई बोलेंगे ना, हम अभी बोल रहे हैं तो सब लोगों को खराब लगेगा, लेकिन पीछे में सब लोग इसको कहेंगे ठीक ही है, इसलिए इतना लंबा में नहीं जाना है, हमको इस्तीफा करना है और जो व्यवस्था है उससे हम लोग नाराज हैं, जो स्थिति है उससे हम लोग नाराज हैं, कोई भी बात हम लोग का नहीं सुना जाता है, इससे हम लोग नाराज हैं। बहुत लोग सवाल उठाते रहते हैं जब कोई MLA मंत्री होते हैं और जब कोई वो कदम उठाते हैं, जैसे हम आज ने कदम उठाया है, तो तरह तरह का लोग चर्चा करने लगते हैं, सवाल अपना लोग भी उठाने लगते हैं। हम जिसके लिए आज सोच रहे हैं, या कल तक जो हमको कमेंट करता था यार आपका कोई बात ही नहीं सुन रहा, वो लोग भी कल से पीछे पड़ जाएंगे, क्यों आपने ऐसा किया। तो ऐसा हमने किया, हमको लगा कि अब जो है इस पद पर हम लोग को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम जनता का काम नहीं करवा पाते हैं तो हम लोग को दुख होता है, और वो दुख आदमी कितना दिन झेलेगा, कितना दिन बर्दाश्त करेगा। कोई काम हम लोग सीधा नहीं कर सकते बिना किसी अधिकारी का, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी। ऐसे स्थिति में हम लोग को लगता है कि अब इस पद पर नहीं रहना चाहिए। MLA में एक आज़ादी है कि थोड़ा खुल करके बोल भी लीजिए, कहीं आप सीधा किसी विभाग में अपना क्षेत्र का समस्या लेके भी चले जाइए। अब इसमें है कि आप फोन कीजिए, किसी विभाग के दूसरे मंत्री हैं तो जाइए, नहीं है तो नहीं जाइए। ऐसा भी नहीं कि बाय पोस्ट आप भेज दिए, जो क्षेत्र का योजना वो हो जाएगा, उसका मंत्री के भी क्षेत्र में गारंटी। तो इसी स्थिति में हम लोग, और विभाग में जब अपना ही विभाग में नहीं सुनता तो हम दूसरे विभाग को क्या। 5 साल हम लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग में भी झेला, और आज यहाँ भी वही स्थिति है। 4 साल से SES है, और आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति को कौन नहीं जानता कि नहीं चलता, उसके बावजूद भी तबादला को हमने 1 महीना पहले पूछ लिया था कि आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो हमको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इन्होंने कहा कि हम तबादला करेंगे, सूची भी भेज दिया जिनका 3 साल हो गया, और उस सूची को जब हम लोग भेजे हैं तो 3 दिन से दबा के बैठे हुए, अब किनसे क्या उनका मामला है वो तो वो जाने। तो हमको लगता है, और हमने सुबह से मुख्य सचिव से लेकर के जो जितने लोग हैं सबको हमने कह दिया कि ये स्थिति बना के रखे हुए, कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने तय कर लिया कि अब नहीं रहना, इस्तीफा कर देना। मतलब आपके विभाग, हम इकलौता ऐसा मंत्री नहीं जिसकी बात नहीं सुनते, लोग बोलेंगे नहीं, सबका हालत हमारे ही जैसी है।